वैल्यू ऑफ वर्ड्स का अगले सत्र में हम लोग बढ़ रहे हैं। नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज वडोदरा में हम हैं, पांच शहरों में वैल्यू ऑफ वर्ड्स का पांचवा संस्करण हो रहा है। हिंदी चैप्टर का ये तीसरा सत्र है, दो सत्र हो चुके हैं और हमने एक सार्थक चर्चा उस पर की। तीसरी पुस्तक जो इस बार वैल्यू ऑफ वर्ड्स के नॉमिनेट हुई है वैल्यू ऑफ वर्ड्स के पुरस्कार के लिए, वो है बिसात पर जुगनू। वंदना राग इसकी लेखिका हैं। वंदना राग कहानी, इतिहास और अनुवाद में इनकी खासी दिलचस्पी है। इतिहास इनका विषय रहा है और इतिहास को आधार बनाकर एक उपन्यास भी आया है जिसमें आपको इतिहास की बहुत सारी घटनाएं मिलेंगी। आपको वो सदियों से लेकर और सदियों की कहानियां उसमें आपको मिल जाएंगी। सदियों की कहानी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऐसा ही उसका एक उपशीर्षक भी है। तो इसके अलावा उनका कहानी संग्रह आ चुके हैं, यूटोपिया, हिजरत से पहले और ख्यालनामा। इसके अलावा पूंजी का युग, इसका उन्होंने अनुवाद किया है, एरिक हॉपकिन के विश्वविद्यालय किताब है द एज ऑफ द कैपिटल, उसका इन्होंने हिंदी अनुवाद किया है। तो कई अलग अलग विधाओं में दखल है और उसी, और ये बिसात पर जुगनू जो है उनका पहला उपन्यास है। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है और वंदना जी के लिए भी संभवतः खुशी की ही बात होगी कि पहले उपन्यास पर वो नॉमिनेट हुआ है वैल्यू ऑफ वर्ड्स के इस नॉमिनेशन बुक प्राइज नॉमिनेशन के लिए, और वो हिंदी विधा में। तो तमाम किताबों में से हम तीसरी पर चर्चा कर रहे हैं। वंदना राग हमारे साथ में है, साथ में है गौरव कृष्ण बंसल, उनका परिचय आपको सुबह मिल चुका है तो मैं अब उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा और सीधे मंच सौंपूंगा वंदना राग जी को और गौरव कृष्ण बंसल जी को। धन्यवाद अंजुम। मैडम नमस्कार। मैं क्या कहूँ, मतलब उपन्यास जो लेखन है, क्योंकि इतना अच्छा तो नहीं परंतु एक छोटा सा उपन्यास मैंने भी लिखा है और इतना वृहत भी नहीं, तो उपन्यास के बारे में डॉक्टर धर्मवीर भारती का जब आप गुनाहों का देवता पढ़ते हैं तो वो लिखते हैं कि ये उपन्यास लिखना मेरे लिए ऐसा रहा है जैसे दुख के क्षणों में पूरे मन से ईश्वर की प्रार्थना करना। एक उपन्यास लेखक के रूप में मुझे भी ऐसा लगता है कि ये लेखन की सबसे मुश्किल विधा है, गद्य लेखन। तो एक आप उपन्यास की तरफ कैसे मुड़ी, आपको कैसे लगा कि आपको एक पूरा उपन्यास लिखना चाहिए? एक तो मैं इस बात से अग्री नहीं करती हूँ कि उपन्यास लिखना सबसे कठिन विधा है, क्योंकि मुझ जैसा व्यक्ति जो बहुत ही खराब कविताएं लिखता है उससे पूछिए कि कविता लिखना कितना मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि कवि बहुत बड़ा क्रिएटिव पर्सन है, और पर्सनल मेरा टेक यही है कि कविता लिखना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि चार पंक्तियों में आपको जीवन की पूरी कथा लिखनी है। हम लोग बात गद्य की कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब गद्य पे जब हम आते हैं तो कहानियां मैं बहुत बचपन से लिखती थी, लेकिन कभी भी क्लेम नहीं करती थी कि मैंने कहानियों को लिखा है, बस लिखती थी, मुझे अच्छा लगता था लिखना और मुझे लगता था कि इससे मेरे भीतर का आक्रोश कम। तो जब फेसबुक मैंने ज्वाइन किया तो उसमें पहला सवाल ऐसे आता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन फेसबुक, ऐसे करके, तो उसमें मैंने उत्तर यही लिखा था, बिकॉज आई एम एंग्री। तो ये सच है कि बचपन से कई बार जब आदमी बहुत विवश फील करता है या बहुत नाराज होता है किन्हीं बातों से, और उस समय आपके इर्द गिर्द जो इनजस्टिस आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ या जो भी है, तो आप एक्सप्रेस कैसे कीजिएगा, तो मैं कहानियाँ लिखती थी और वो कहानियाँ पूरे जीवन से जुड़ी होती। एक वक्त ऐसा आया जब मेरे मन में उपन्यास की किरदार लीना का चरित्र यूं ही दिमाग में कौंधा, और चूंकि मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ती थी और इतिहास की छात्रा थी और बाद में मैंने एमफिल भी ज्वाइन किया था जो चाइनीज एंड जापानीज स्टडीज, तो वहाँ पे मैं टेक्स्ट से ज़्यादा साहित्य पढ़ती थी और मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था चीन का, जापान का पूरा इतिहास, स्टोरीज पढ़ना, ह्यूमन स्टोरीज पढ़ना। और उसी दौरान मुझे लगने लगा था कि कनेक्शन जो इंडिया के लोगों का और चीन के लोगों का है वो बहुत डीपर कनेक्शन है, वो सिर्फ सरहदों के से अलग हुए लोगों का कनेक्शन नहीं है। जब आप जाते हैं तो भीतर आप देखेंगे कि
सारी एशियन संस्कृतियों में, खासतौर से जैसे चीन है जहाँ कन्फ्यूशियस थे और ताओइज्म था, बुद्ध गए भारत से, और इस तरह की बहुत सारी जो पद्धतियाँ थी आध्यात्मिक और रिलीजियस पद्धतियाँ थी वो भारत से बहुत मिलती जुलती, और मुझे लगता है कि ये फिर हमारे वैल्यू सिस्टम को बनाती हैं। तो जैसे कन्फ्यूशियस के जो रूल्स हैं जो वो बताते हैं अपने अनुयायियों को कि आपको परिवार को बहुत देखना है, भाईचारा बहुत इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, डू अनटू अदर्स। हाँ, तो जब हम भारतीय दर्शन की ओर भी आते हैं और भारतीय पद्धतियों पे भी गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग परिवार की सैंक्टिटी और रिश्तों की सैंक्टिटी, वैल्यू सिस्टम, सब कुछ समुदाय और परिवार की ओर घूमता हुआ, ये सब बहुत मिला जुला था। तो उस बात ने मुझे बस वो लीना का कैरेक्टर कौन था और ये सारी बातें एक साथ आई और सारी जो लर्निंग्स थी एमफिल के दौरान वो सडनली दिमाग में आसपास आने लग गई। और वैसे ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि भारत का और चीन का संबंध बहुत पुराना है, और मैंने पढ़ा था कि जो चीन में जो मार्शल आर्ट्स हैं, जो उनकी अनआर्म कॉम्बैट्स हैं जिसको कुंग फू जिसमें प्रमुख है, तो हिंदुस्तान से बोधिधर्म गए थे वहाँ पर और बोधिधर्म ने उनको पहली बार सिखाया था कि अनआर्म कॉम्बैट क्या होती है, और उसके बाद फिर वो वहीं रह गए थे और फिर वहाँ से उनका जो जो शाओलिन स्कूल है वो वहाँ से डेवलप हुआ। ये बात तो ठीक है, लेकिन हम अगर आपके इस मौजूदा उपन्यास की बात करें बसात पर जुगनू, तो मेरे को तो सबसे पहले तो इसका जो आपका शीर्षक है वही बड़ा आकर्षक लगा, और जो मैंने इस किताब को उठाया तो बसात पर जुगनू मतलब बहुत ही अलग शीर्षक है। क्या है ये शीर्षक? मैंने इसको ऐसे कंसीव किया कि जब मेरी कहानी बन गई शीर्षक उसके बाद रखा गया, तो जब उपन्यास लिखा गया और जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, पर मुझे लगता है जब मैं धीरे धीरे और इतिहास की गहराई में जाती हूँ और ओरल हिस्ट्री में जाती हूँ और गांव के लेवल तक जाती हूँ, तो मैं देखती हूँ कि वहाँ पर हर जगह एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसकी शौर्य गाथा गाई जाती है। हो सकता जैसे है हमारे बुंदेलखंड में आला उदल है। हाँ, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हुए हैं। मैं मिथ की बात, माइथोलॉजी की बात नहीं कह रही हूँ, मैं शरीरी लोगों की बात कह रही हूँ जिनकी कथाएं जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन के साथ आज भी कहीं कहीं बुजुर्ग मिलेंगे तो वो गाते सेलिब्रेट करते हैं, तो ऐसे लोग लेकिन इतिहास में बड़ा हिस्सा अपने लिए नहीं खींच पाते। तो मेरे मन में बार बार ये ख्याल आता रहा कि ऐसे लोगों की भी कथा कहनी चाहिए। और तो जो परगासो है आपके उपन्यास में, क्या ये ऐसी ही कोई वीरांगना है जिनके बारे में हम नहीं जानते? लेकिन हाँ, यही बात है कि परगासो जैसी कोई रही होगी, लेकिन परगासो पूरी तरह से मेरी ख्याली उपज। और उपन्यास में ये बात खासतौर से पढ़ते वक्त गौर करनी चाहिए कि ये जो उपन्यास है इसमें बैकग्राउंड हिस्ट्री है, सब कुछ सच है। 1857 हुआ इस देश में, चीन में मांचुओं के साथ स्ट्रगल हुआ आम जनता का, अंग्रेज आए, इंपीरियलिज्म कॉलोनियलिज्म एक सच था, जो यहाँ भी हुआ चीन में दूसरे ढंग से हुआ लेकिन हुआ, तो ये सारी बातें बैकग्राउंड सच है, लेकिन इनमें जो जीने मरने वाले पात्र हैं वो सारे मेरी कल्पना। तो जब आप जुगनू कहते हैं तो जब आप बिसात कहती हैं तो बिसात ये जो कॉलोनियल इरा है हम उसको बिसात मानेंगे कि उसके ऊपर एक ये शतरंज की बड़ी सी बिसात है, और जुगनू ये छोटे छोटे हमारे पात्र हैं, गाँव के पात्र, देहात के पात्र, ओरल हिस्ट्री के पात्र, मिथ के पात्र, जो उसको आप मिथ नहीं कहेंगे बट देन दे आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू मिथ, दे बिकम क्लोजर, हां, तो जिसको मिथक कहते हैं उस टाइप के, तो ये सारे पात्र हैं जो कि उस पूरी बड़ी सी बिसात के ऊपर अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं, तो वहां से शीर्षक निकलता है बिसात पर जुगनू। क्योंकि शीर्षक रखना वास्तव में बड़ा मुश्किल काम है, शेक्सपियर वेरी फेमसली वो एक का शीर्षक नहीं रख पाया तो उन्होंने कह दिया एज यू लाइक इट, तो
शीर्षक रखना आसान काम नहीं होता है कि जैसा आपको पसंद हो ऐसा, तो शेक्सपियर भी कर चुके हैं। तो मुझे बड़ा बहुत ही ये इंटरेस्टिंग और बड़ा ही ऐसा शीर्षक लगा अपनी तरफ खींचने वाला। अच्छा ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि किसी पुस्तक को सफल करने में उसके शीर्षक का कितना रोल होता है? शीर्षक अहम होता है और अनफॉर्चुनेटली मुझे उसमें बिल्कुल दक्षता हासिल नहीं है क्योंकि मेरा प्रकाशक ये कहते हैं कि आप और बेहतर शीर्षक रखा कीजिए जिससे कि वो लोगों का ध्यान आकर्षित करे। पर इस बार जो मैंने शीर्षक रखा वो प्रकाशक को भी पसंद आया। नहीं नहीं बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बड़ा ही बोलता हुआ इसका आपका शीर्षक है। खैर शीर्षक पे तो हमने बात करी, लेकिन जब इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो शुरू शुरू में बड़ी ही कंफ्यूजन की सी स्थिति पैदा हो जाती है पढ़ने वाले के लिए, जो मेरे लिए भी हुई। बड़ी सारी कहानियाँ एक साथ पैरेलल चल रही हैं, एक कहानी चल रही है परगासो की तो एक कहानी चल रही है सुमेर सिंह की, एक कहानी चल रही है दिग्विजय सिंह की, एक कहानी चल रही है फतेह अली खान की, एक कहानी चल रही है लीना की। सबके टाइमलाइंस अलग अलग हैं, कोई कोई 1800 में चल रही है तो दूसरी 2001 में चल रही है, कहीं लैपटॉप की बात हो रही है तो कहीं पर नक्शा नहीं। तो आपने क्या कहना चाहा है इन सब कहानियों के माध्यम? देखिए मैंने एक पूरे कालखंड को लिया 1840 से 1910, मूल कथा उसी के इर्द गिर्द ही घूमती है, सारे पात्र वही हैं। लेकिन इसे आप कह सकते हैं कि ये क्राफ्ट की एक टेक्निक है, मैंने इसमें टेक्निक के लेवल पे भी प्रयोग किया है, कथा के लेवल पे तो किया ही है, टेक्निक के लेवल पे भी किया है। मैंने आज की 21वीं सदी में एक नई लड़की के माध्यम से इन सारी कहानियों को उजागर किया है। तो कई बार जो कॉनोटेशंस आते होंगे वो लीना के कॉनोटेशन, जिस तरह से वो जान रही है, जिस तरह से वो दर्ज कर रही है, लेकिन इस कहानी में टेक्निक के लेवल पे इस कहानी के सच, जो जो मैंने कहा था हिस्टोरिकल जो ट्रूथ्स हैं उसको बयान करने के लिए मैंने फतेह अली खान, जो कहानी के उस दौर के 1840 से 1910 के सूत्रधार हैं, उनकी डायरीज हैं, रोज नामचा वो रोज लिखते हैं और वो खत लिखते हैं जब वो यात्रा पर जाते हैं सूर्य दरबार नामक एक जहाज पर, कैंटन जाते हैं चीन, तो वहाँ से वो खत लिखते हैं सुमेर सिंह को, अपने जो उनके एम्प्लॉयर हैं, दिग्विजय सिंह बड़े राजा हैं और सुमेर सिंह उनके बेटे हैं जो इनके मित्र हैं, तो उनको जब खत लिखते हैं वो एक है। और तीसरी चीज़ है सच बयान करने के लिए कि उस दौर में ये सच था, कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स की बात मैंने की है, तो कलकत्ता जर्नल नाम का एक वास्तविक अखबार निकलता था उनके, और उसे अंग्रेज चलाते थे और फिर कुछ भद्र बंगाली लोग चलाने लगे, लेकिन उसमें आपको पता है कि उस दौर में कलकत्ता में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था अंग्रेज़ों का, तो बहुत सारे जो बंगाली थे उनका फर्नीचर तक फ्रांस से आता था और लोगों के कपड़े धुलते थे विदेशों में, कपड़े लेस आती थी बेल्जियम से, ग्लास आता था, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। कोलकाता चूँकि कैपिटल था अंग्रेज़ों का तो ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो इस बात को मेरे किरदार तो आम लोग वो तो कह नहीं सकते, पर मैं चाहती हूँ कि मेरे पाठक जाने कि उस दौर की ये सब की सच्चाइयाँ, तो वो सारी सच्चाइयाँ कांग्रेस के गठन की बात, कांग्रेस का गठन भी उसी दौर में अंत में होता है 1800 के किसी पीरियड में, और उसके बाद किस तरह गोपाल कृष्ण गोखले आते हैं और वो कैसे चाह रहे हैं कि किस तरह से सियासत एक अलग पैरेलल ढंग से रन कर रही है, लेकिन जो मेरे फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं वो उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं पूरी कहानी। आपने इसमें एक शंकरलाल नाम का किरदार लिया है जो कि चित्रकार है, वो एक मुसव्वर खाना चलाते हैं। अच्छा इनफैक्ट ये भी एक बड़ी कमाल की बात है कि आपकी बोलने में उतनी उर्दू नहीं है लेकिन लिखने में बड़ी सारी उर्दू है तो ये इतनी उर्दू कहाँ से आती है? ये नहीं देखिए, ये तो जो कहानी होती है ना वो अपनी भाषा खुद लिखती है, और बात यह है कि जब आप रचना रच रहे होते हैं, जैसे कई बार अगर आपका पात्र फारसी पढ़ा हुआ है तो मैं तो फारसी जानती नहीं हूँ लेकिन उस दौर की ही उपज है उर्दू, इसलिए उसका इस किताब में होना बहुत जरूरी है। जो जिसका ओरिजिनल नाम रेखता है तो वो छावनी की भाषा के रूप में प्रचारित हुई
वो थी कि नहीं उस पर भी डिबेट हो रही है अभी, लेकिन अगर वो छावनी की भाषा थी और बहुत सारे शब्दों का मिश्रण थी और बहुत सारे लोग जो इधर उधर, छावनी में क्या था कि हर क्षेत्र के सताए लोग भी शामिल हो रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो मेजर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में ये भी बात आती है कि बहुत सारे जो दलित थे उस दौर के वो अंग्रेजों के साथ चले गए क्योंकि उनको अपने राजाओं से और कास्ट ऑपरेशन से बचा। नहीं, लेकिन आपने उपन्यास में तो उल्टा लिखा है कि जब वो परगासों की बात, उल्टा नहीं है, ये वाला हिस्सा भी है, लेकिन परगासों जैसे यूनिक कैरेक्टर्स भी थे जो अपने कम्युनिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। वो दुसादों की बेटी है, ऑर्फन है, लेकिन वो योद्धा है, और उपन्यास का प्रमाइस सोचिए तो इन्हीं औरतों को लेकर है। वो औरतें जो योद्धा थी उस दौर में भी, जो एक रेवोल्यूशन को रन कर सकती थी, जैसे चीन में है युयान, यहाँ पर परगासो, और मुसव्विर खाना भी अकेले चलाने वाली खदीजा बेगम, तो ऐसी भी औरतें थी जिनका जिक्र इतिहास, ऐसी कम्युनिटीज थी जिनके बारे में मोटा मोटी जिक्र है कि ये अपना यहाँ जाते थे, ये करते थे और वैसा था, इस बटालियन में थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन दरअसल वो अपने ढंग से युद्ध भी लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो मुझे इस आपके उपन्यास का एक बड़ा स्ट्राइकिंग चीज लगी वो है इसकी रिलेशनशिप, लोगों के बीच की रिलेशनशिप, और आपने जो इंसानी, इंसान का इंसान से जो एक रिश्ता है उसको आपने कई स्तरों पर छुआ है, तो ये जो रिलेशनशिप आपने इसमें डिपिक्ट किए, जैसे मेरे को जो फतेह अली खान और वो उनके लड़के क्या नाम है उनका, सुमेर सिंह, इनके बीच की रिलेशनशिप किस तरीके की रिलेशनशिप, उसको कुछ प्रकाश डालिए, क्योंकि वो दोस्त की भी नहीं है, वो टीचर की भी नहीं है, वो लवर की भी नहीं है, वो क्या है वो? तो जैसे दिग्विजय सिंह तो रियासत के मालिक, लेकिन उनका बेटा जो है ना सुमेर सिंह, उसके अंदर वो मानते हैं कि वो गुण नहीं है जो एक रियासत को चलाए, वो थोड़ा सा नाजुक व्यक्ति, तो वो किसी को मातहत नहीं समझता, इसीलिए वो एक रिश्ता, उसकी कोमलता ही वो चीज़ है जो फतेह अली खान को उससे अट्रैक्ट करती है, और वो दोनों बराबर के दोस्त हो जाते हैं। बाद में जब सुमेर के जीवन में परगासो आती है तो परगासो भी दोस्त हो जाती है, और ये संभव था यदि हम अपने नानी दादी की कथाओं से गुजरेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे अनयूजुअल रिश्ते भी उस दौर में भी होते थे, 1800 में, 1900 में, तो ये बराबरी के रिश्ते बनते हैं। और जैसे शंकर लाल जो मुसव्विर खाना चलाते हैं, तो वो तो है एक बड़े बड़े कलाकार, मुसव्विर खाना यानी आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी, मुसव्विर खाना मतलब आर्ट स्कूल, और पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग एक खास तरह की पेंटिंग का स्टाइल था, जैसे कंपनी स्कूल है, लेकिन वो ग्रेजुअली वो रहा कुछ सालों तक, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो गया था, अफसान की उहरे मेरी किताब में भी के बाद, तो वो जो था वो कंपनी स्कूल से और पहाड़ी स्कूल से थोड़ा इन्फ्लुएंस था, और हर जगह जब अंग्रेज़ों ने आर्टिस्ट भगाए 1857 के बाद, तो ये लोग जाकर पनाह लिए वहाँ पर पटना में इसी आर्ट स्कूल में, तो वहाँ पर भी ये चीज़ है कि औरतों का तो मना था, औरतों का पेंटिंग करना, किताब लिखना, पढ़ना सब मना था उस दौर में, लेकिन खदीजा बेगम आदमी बनकर मुसव्विर खाना में पेंटिंग सीखती हैं, विलक्षण प्रतिभा हैं, और बाद में उनका रिश्ता शंकर लाल से हो जाता है, ये भी प्रेम का रिश्ता, इसमें कहीं कोई स्टैम्प नहीं है कि वो उनके साथ शादी कर ली या कुछ, बहुत सारे रिश्ते होते थे उस दौर में, आज तो ज़रूरी हो गया है स्टैंप लगाना, लेकिन उस दौर में नहीं था, और कैसे वो साथ रहते अकेले मुसव्विर चलाते, तो ये मतलब औरतों की कहानी है कि। अब आपसे एक मैं बड़ा नाजुक सवाल पूछ सकता हूँ, बिल्कुल, हम सारे ही लेखक हैं अपने अपने राइट में, कुछ ज़्यादा लिखते हैं, कुछ कम लिखते हैं, कुछ बड़ा लिखते हैं, कुछ छोटा लिखते हैं, लेकिन जब भी हम लिखते हैं तो अपना एक हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा, अपने तजुर्बों का एक हिस्सा, अपने वाक़यात, अपने साथ गुजरी हुई चीज़ें, तो कहीं ना कहीं हमारे जो
कृति होती है उसके अंदर होती है। प्रसाद पे जुगनू में कितनी वन्ना राग? देखिए, एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं मंजूर एहतशाम जी, उनको मैं अपना गुरु भी मानती हूँ। भोपाल में थे वो और उनको साहित्य अकादमी भी मिला था और पद्मश्री भी मिला था। बड़े राइटर थे वो, हाल ही में गुजरे, वो भी कोरोना काल में ही गुजरे। तो मैंने उनसे एक दिन सवाल किया था कि लोग पूछते हैं कि अरे यार तुम्हारा कितना है, तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात की। अच्छा, मैं पहला नहीं हूँ ये सवाल पूछ रहा। नहीं, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सुंदर बात कही थी। उन्होंने कहा कि कमबख्त अपना ही तो सारा निकाल कर डालते हैं, ठीक है। तो उनकी भाषा वैसी थी, बहुत प्यारे इंसान थे। और तो तुम ये कह दिया करो, सारा मेरा है। किस तरह से सारा मेरा है? जब मैंने सारे पात्रों को ड्रीम किया है, रिसर्च किया, सब कुछ तो मेरा ही परिश्रम है। लेकिन हाँ, अगर किसी एक पात्र को अलगा कर देखना हो और जानना हो कि इसमें से कितनी वन्ना राग है। अच्छा, लेट मी गेस। मैं कहूँगा कि कहीं पे वन्ना राग मुझे परगासो में दिखती है और कहीं सुमेर सिंह में। क्या मैं सही हूँ? परगासो मेरी एस्पिरेशन है। और एक्चुअली लीना वो है जो मतलब चाहती है कि बियॉन्ड बॉर्डर्स जाके ह्यूमैनिटी का वो स्प्रेड करे। तो मेरे अंदर वो थोड़ा सा गुण है जो जो ये चाहता है कि युद्ध ना हो, असहिष्णुता ना हो। तो लीना इसी वर्ल्ड को बनाने में चली है। और बात तो है कि अकेले कोई क्या कर सकता है, इस तरह पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन स्टिल प्रयास तो कर ही सकते। तो मैं कहूँगी कि आप परगासो और लीना, परगासो इज माय एस्पिरेशन, आई वांट टू बी लाइक। हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि आपने उसको जिस तरह से कैरेक्टर को डेवलप किया है परगासो के, कि वो बड़ा ही यूनिक है। और मुझे कहीं ना कहीं लगा कि उसमें आप रिफ्लेक्ट कर रही हैं जितना मैंने अभी तक आपको जाना है। तो लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता था कि आप कहाँ, थोड़ा सा मैं देख रहा था कि मेरी गैस कहाँ तक चाहिए है। लेकिन जो सुमेर सिंह का कैरेक्टर, अच्छा इसमें आपने एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर डाला है, उनका नाम है रुकमुद्दीन। उनके बारे में कुछ बताइए, ये कहाँ से आते हैं जनाब? हाँ, तो जो मुसव्विर खाना है, मैंने बताया अंग्रेजों ने बहुत सारे लोगों को मारकर भगाया और खासतौर से आर्टिस्ट पे, पढ़ने लिखने वालों पर भी उनका जुल्म बहुत था। तो उस दौर में ये जो भी किसी सेशन में बात भी हो रही थी कि जब सिराजुद्दौला की कहानी चलती है, तो रुकनुद्दीन उस कहानी को, सिराजुद्दौला बहुत प्रेम करते थे उस दौर के बंगाली, और वो एरिया बहुत ज़्यादा उसके प्रेम में था। तो जब अंग्रेज़ ने क्लाइव में जाकर और उसके बाद वो सारी चीज़ें होने लगी, जो मीर जाफर और ये सब कुछ हुआ, तो उस दौर में बहुत सारे बंगाली वहाँ से भाग। तो ये रुकनुद्दीन वहीं बंगाल से भागा हुआ एक व्यक्ति है जो शरण लेता है मुसव्विर खान, और वो रुकनुद्दीन है। और उसकी आंखों से जो ऐश्वर्य था भारत का, बंगाल का, वो बयान होता है, क्योंकि उसके दादा ने बताया है उसे कि किस तरह से मखमल मलमल था, जूट था, बहुत सारी पटसन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, और वो ऐश्वर्य था वहाँ पर। सबके घर में एक पोखर था, सब खुद मछली खाते, मतलब उनको खाने पीने की दिक्कत नहीं थी। और सडनली वो एकदम सारी चीज़ों से डाइवर्टेड होकर भगा दिए जाते हैं, लेकिन वो चित्रकार है तो वो आता है। वहाँ उसकी एक अंग्रेज़ विलियम स्टोन से मोहब्बत हो जाती है। हाँ, ये गे रिलेशनशिप जो है, हाँ, ये क्या मैं इसको ऐसा कहूँ कि ये लगभग फैशनेबल हो गया है गे रिलेशनशिप को डिपिक्ट करना, या ये सही में कहानी की ज़रूरत है कि गे रिलेशनशिप? नहीं, ये कहानी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मुझे लगता है कि इस वाले एस्पेक्ट को हम लोग एक खास कल्चरल पीरियड या कल्चरल उससे जोड़ कर देखते हैं, तो ऐसा है नहीं। और इस बात की मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि इट हैज ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज बीन देयर, ऑलवेज। आप खुशवंत सिंह को पढ़ लीजिए या और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब आप अगर शास्त्रीयता की ओर भी जाएंगे ना, टेक्स्ट को पढ़ेंगे, ये सब कोई वर्जित नहीं है हमारे, नहीं था इस तरह की रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप वर्जित नहीं। आप देखिए ना, विवाह की मेरे मन में ये बात भी रैंकल करती थी,
विवाह की बात की, हमेशा एक पौराणिक व्यवस्था हमने बना दी कि नहीं विवाह होगा तभी सैंक्शन है, लेकिन उसके पहले हमने कितने 9 तरह के विवाह के सैंक्शन दिए हुए हैं अपने टेक्स्ट में। हाँ, जो हम लोग करते हैं प्रजापति है, लेकिन उसके अलावा तो बहुत बहुत सारा है, है कि नहीं, कि आप माला भी पहना के हो जाते। तो मेरा मन था कि पिशाच विवाह तक है। एग्जैक्टली, तो अगर हम सब चीज जायज है तो मैं अगर एक इंडियन नॉवल लिखूं, मतलब मेरा मन था कि मैं इसे पूरी तरह रूटेड इन इंडिया बनाऊं, तो इंडिया में कुछ भी ऐसा वर्जित नहीं था। इंडिया में विवाह व्यवस्था बहुत भिन्न प्रकार की थी, प्रेम भी था, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स के बावजूद सब कुछ था, तो ये गे रिलेशनशिप थी। मतलब इसके थ्रू आप एक मैसेज देना चाह रही हैं कि हमारा जो एक खाका खींचा गया एक बड़ी कंजर्वेटिव सोसाइटी का, हाँ। या एक बड़ी प्राइवेट टाइप की सोसाइटी का या नॉन परमिसेबल सोसाइटी का, ऐसा नहीं है, नहीं। ये एक अभ्रंश है, असल में हम कुछ और थे, हाँ। ये आप मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल, हाँ। मैसेज अगर इस किताब से पाठक को मिलता है तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी, हाँ। क्योंकि मुझे ये मैसेज मिल रहा है, हाँ। तो इसलिए तो वी वर अ वेरी परमिसेबल सोसाइटी, अ वेरी जिसको बोलते हैं ना उन्नत विचारों वाली। अगर हम पूरा वैदिक कल्चर तक में भी जाते हैं, हम उसको अभी विषवे करना चाहते हैं और उसको हम एक बीच का जो मिडिल लेवल पौराणिक घटनाएं जो आ गई और जिन्होंने बहुत सारी चीजों का इंटरपोलेशन हुए हमारे इतिहास, उसको डिमोलिश करना चाहती हूँ। और अगर हम सचमुच इंडियन हैं, सचमुच भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष और उसकी उन्नत पक्ष की बात करना चाहते हैं, तो हमें जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हमारे शास्त्र भी क्या है, हमारी सोसाइटी कैसी है। इसमें आपका जब मैं बायोडाटा देखता हूँ तो आप दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास में एमए कर चुकी हैं, और तो अमूमन आप मतलब जिसको कहते हैं कि हमारे यहाँ का एक मॉडर्न एजुकेशन पाई हुई एक स्कॉलर हैं, आपको हिंदी की तरफ क्या मोड़ता है? मतलब बहुत सारे हम लोग हम में से ऐसे हैं जो कि हिंदी अंग्रेजी दोनों में बराबर से कंफर्टेबल हैं, और मैं आपको अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि जब मैंने अपना इकलौता उपन्यास लिखा तो मैं बहुत दिन तक उसको अंग्रेजी में लिखने की सोचता रहा, क्योंकि बड़ा उसके प्रति मेरे को झुकाव था कि अंग्रेजी को बहुत पाठक मिलते हैं, कहीं हद तक वो सच भी है। तो वन्ना राज जी को हिंदी की तरफ क्या मोड़ता है, हिंदी और उर्दू की तरफ कौन सी चीज है जो आप? देखिए, मैं पढ़ी तो शुरू से ही अंग्रेजी माध्यम में हूं। हम सब ऐसे ही हैं। हाँ। लेकिन जब मैं लिखने बैठी, और मैं बचपन में भी जो मैंने कहा कि ये मेरा शगल था कि कुछ भी लिख देना, तो हिंदी में ही लिखती थी, तो अंग्रेजी में तो स्कूल में तो लिखते ही थे, हम सब एसेज लिखते थे, एंड माय टीचर्स सब बोलते थे तुम लिखो ऐसे ऐसे करके। लेकिन जब बात कहने की बात आई, जैसे मुझे लगा कि जब मैंने पहली बार शायद या हम सब ने माँ को माँ ही कहा ना, माँ ही सीखा, हाँ, अब हम हमेशा हम अपने बच्चों को और मे बी ग्रैंड चिल्ड्रन को सबको सिखाते हैं मॉम, लेकिन वो भी मॉम नहीं, माँ से ही जब शुरू होता है, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे जहन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो मैं इसमें अपने आप को लिख मतलब एक्सप्रेस करूँ। और बात होती है कि जब आप एक बार लिखते हैं और वो बात लोगों को पसंद आने लगती है तो फिर आप सही लिखते हैं। भाषा मुझे उर्दू के लिए तो बहुत ज़्यादा लगाव, झुकाव, रुझान, मैंने सीखा कुछ नहीं है, पढ़ पढ़ के ही सीखा है। नहीं, देखिए, उर्दू का जहाँ तक प्रश्न है, जैसे मैं आपको बताऊँ, इलाहाबाद में एक अकादमी है जिसका नाम है हिंदुस्तानी अकादमी, तो उसको सर तेज बहादुर सप्रू ने उसको स्थापित किया था, और उनका ये मानना था कि हम जो जबान बोलते हैं वो ना तो हिंदी है ना उर्दू, वो हिंदुस्तानी है। महात्मा गांधी ने भी ऐसा ही कहा था कि हम जो जबान बोलते हैं वो हिंदुस्तानी है। तो उस हिसाब से देखिए तो हमको किसी को उर्दू सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उर्दू या संस्कृत या हिंदी, उसको किसी की भाषा ना बना के अगर सब हिंदुस्तानियों की भाषा रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। तो उर्दू के प्रति तो हम सबका लगाव है, अदब की भाषा है। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे किस्सा सुना सकता हूँ कि मैं लखनऊ से हूँ और काफ़ी दिनों बाद मेरा लखनऊ जाना हुआ सर्विस में आने के बाद, तो मैं अपनी छोटी सी गाड़ी लेके वहाँ पे घूम रहा था और पुराने लखनऊ के पास एक बड़े मियाँ शरीफे बेच रहे थे, तो दिख रहा था कि पुराने नमाजी मुसलमान हैं, दाढ़ी वाड़ी रखे थे, काफ़ी उम्र याफ्ता थे।
तो मैं गाड़ी से उतरा और मैंने शरीफे थोड़े से देखने शुरू किए। यहाँ पे सीताफल बोलते हैं, वहाँ पे शरीफा बोलते हैं, तो यहाँ पे किसी को शरीफा बोलियो तो तुरंत समझ लेता है कि आप कहाँ के। तो मैंने तो उन्होंने कहा हुजूर देखिए नरम है कहीं फूट ना जाए। तो मैंने कहा बड़े मियाँ ऐसी क्या बात है, अगर फूट गया तो खरीद लेंगे। तो उन्होंने मेरी तरफ बड़ी ध्यान से देखा, बोले हुजूर मुझसे बड़ी गलती, मैं आपको पहचान नहीं पाया हुजूर, पूरा ठेला आपका है। तो वो जो वो कि वो तुरंत समझ गया कि ये भी कोई पुराना लखनवी है। तो ये पहचान तो खैर जो जो अदब की पहचान है वो तो, और अदब की भाषा है वो अपनी तरफ खींचती है, लेकिन फिर भी ये पूछना जरूरी आता है क्योंकि लेकिन मुझे ये बताइए कि जब हम आप हिंदी में उपन्यास लिखती हैं तो छपने में कितनी मुश्किल आती है? देखिए ये बड़ा बड़ा टची सवाल है क्योंकि क्योंकि देखिए, छपने में तो मुश्किल नहीं आती है, और आजकल तो इतने प्रकाशन गृह हो गए हैं कि छपने में किसी भी लेखक को मुश्किल नहीं आती है। नहीं होते तो लोग ऑनलाइन छपवा लेते हैं, खुद प्रकाशित करवा लेते हैं, बहुत सारे माध्यम, डिजिटल ये प्रकाशन। जो खुद प्रकाशन है हाँ आप इसके पक्ष में हैं कि इसके पक्ष में नहीं है, जैसे जिसको हम वैनिटी नहीं, ये एक पब्लिशिंग? डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। देखिए, संचार माध्यमों ने हमें अधिक लोकतांत्रिक बनाया। पहले बेचारा लेखक बरसों इंतजार करता था, वो जमाना अब नहीं रहा कि अब हमें इंतजार नहीं करना है। हाँ, प्रतीक्षा रहती है पाठक को। जो आप कह रहे हैं ना, मुश्किलात क्या है कि पाठक जुटाना, पाठक नहीं मिल रहे हैं। जो बार बार सुबह से मैं सेशन सुन रही हूँ और सब लोग इस बात को रेखांकित भी कर रहे हैं और पहचान भी रहे हैं, पर हमारे पास सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, पाठक नहीं। क्योंकि कोई भी अच्छी से अच्छी चीज भी प्रकाशक से आंकड़ा पूछिए तो कहेगा 1,000 बिक। 1,000 मतलब प्रकाशक बहुत खुश हो जाता है, कह 1,000 कॉपी बिक गए इनकी, मतलब दूसरा संस्करण आ रहा है। ये होना नहीं चाहिए। डिकिन्स लाखों किताब बेचता था और खुद भी प्रमोशन करके बेचता था, और आज भी विदेश में संचार माध्यमों के बावजूद, गैजेट्स के बावजूद, रीडिंग हैबिट्स नहीं, कुछ डेंट लगा था बीच में, बट अभी भी लाखों में किताबें बिकती हैं। तो वो चीज हिंदी का ये दुर्भाग्य है, हिंदुस्तानी का दुर्भाग्य है, क्योंकि मैंने तो हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में भाषा। लिखा है हाँ आपने? बिल्कुल, तो वो दुर्भाग्य है कि उसे पाठक नहीं मिलते, और इस बात के लिए हमें सचमुच मिलजुल कर कुछ करना होगा। जैसा शायद आपने कहा कि सबको कहा जाए कि आप हिंदी के रिव्यूज लिखना शुरू कीजिए, इसी बहाने कम से कम एक किताब तो आप पढ़ लेंगे, तो एक नहीं तो दो, आप 5 किताब पढ़ लीजिए। मान लीजिए आपने 40 की फहरिस्त की है, तो यंग ऑफिसर्स इतना तो जल्दी नहीं छूटा होता, क्योंकि हिंदी भी एक पेपर होता है, उनको पास करना ही होता है जब वो आते हैं यहाँ बिल्कुल पर। ठीक बात है। तो वो तो 5 किताबें भी साल में पढ़ ले तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब मैं आपसे जानबूझ के ये नहीं पूछ रहा हूँ कि बिसात पर जुगनू में होगा क्या, क्योंकि ये तो पूछना मतलब स्पॉइलर हो जाएगा, स्पॉइलर अलर्ट जो होता है। अगर कोई नॉन फिक्शन किताब होती तो मैं जरूर पूछ लेता, लेकिन ये तो नॉवल है और नॉवल का अंत का खुलासा करना तो मेरे ख्याल से एक अपराध है, तो वो तो हम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो आप स्टोरी लाइन डेवलप करते, बड़ी यूनिक स्टोरी लाइन है ये, कितना कितना सहज या असहज है 3-4 पैरेलल चलती कहानियों को संभालना, कैसे संभालती हैं आप? ठीक है, ये तो आसान काम नहीं। ठीक है, 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियां, और उनको एक साथ एक सूत्र में जोड़ने का सूत्र खोजना तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट हुआ मेरे लिए। लेकिन कहानी की आत्मा तो अंत में ही उजागर हो तो सबसे अच्छा हाँ, रहता वो तो है, वो है। तो है, और वो पाठक के लिए जरूरी चीज ये है कि अंत तक वो वेट करे कि यार आखिर है क्या इसमें। तो मेरा प्रयास ये था कि मैं भाषा हो चाहे कहानी के लेवल पे हो, किसी को बोरियत भरे लफ्जों से ढक न दूं, और पाठक ये नहीं कहे कि बस हो गया यार, पता चल गया 100 पन्ने के बाद की कहानी क्या है। मैं चाहती थी लास्ट के 20 या 25 पन्ने में ही कहानी का अंत खुले, जो खुलता है। ये बताइए कि एक लेखक के रूप में वन्ना राग जो है वो इतिहास की तरफ साहित्य के प्यार की तरह के कारण जाती है कि साहित्य की तरफ इतिहास के प्यार के कारण जाती है? बड़ा पेचीदा सवाल कि आपका इतिहासकार आप बड़ा है कि आपका साहित्यकार बड़ा है, मुझे ये बताइए। नहीं, साहित्यकार ही बड़ा है। इतिहास मेरा विषय जरूर रहा है, पर मेरे मुझे बहुत
मैंने उसको पढ़ा है, गलत नहीं होती हूँ इतिहास पर बात करते वक्त, पर मैं अधिकृत नहीं हूँ इतिहास पर बात करने, हाँ साहित्य पे मैं, क्योंकि देखिए साहित्य उससे क्या हुआ, उससे एमए कोई भी हो सकता है पर इतिहास का ज्ञान रखना, मतलब मौलिक ज्ञान रखना, इंस्टिंक्टिव ज्ञान रखना बहुत मुश्किल काम है और वो बहुत जरूरी काम भी है। लेकिन साहित्यकार जो है वो एक ड्रीमर होता है, मैं एक ड्रीमर हूँ। नॉवल से हटके आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि ये जो हिस्टोरियोग्राफी जो एक चीज है, आजकल बड़ा ही चल रहा है कि इतिहास जो है वो गलत लिखा गया या सही, या उसको सही करने की आवश्यकता है। तो मैं एक इतिहासकार से पूछ रहा हूँ कि इतिहास कैसे लिखा जाना चाहिए? अगर आज मैं बैठ के इतिहास लिखना चाहूँ तो, और आप भी एक इतिहास लिखें, मेरा कुछ सोच का पैटर्न अलग है, आपका कुछ सोच का पैटर्न अलग है, मैंने उसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन कुछ और लिखा, आपने कुछ और लिखा, तो किसका लिखा हुआ इतिहास हम सही माने और क्यों? नहीं देखिए, कुछ चीजें तो यूनिवर्सल ट्रूथ होती हैं, ठीक है, यूनिवर्सल, हाँ, अदरवाइज आल्सो जो फैक्ट्स इकट्ठा होते हैं वो भी कुछ रियल ही होते हैं, ठीक है। ये जरूर है कि इतिहास के साथ एक खामी जो हुई है कि हमेशा पूरे विश्व में इतिहास हमेशा रूलर्स ने लिखा या जो ज्यादा संपन्न लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो इसीलिए ना इस तरह की चीजें, जब जैसे फर्गुसन पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन उसका इतिहास कोई तो लिखेगा, तो ऐसा ऐसा नहीं हुआ इतिहास लेखन पूरे विश्व में नहीं हुआ। तो इसी वजह से ये होता है कि हम एक ही तरह का एक तरफा इतिहास पढ़ते आए, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास ये सुविधा है, हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, हमारे पास आर्काइवल मटेरियल है, हम जाके रिसर्च करें। लेकिन उथला व्हाट्सएपिया इतिहास ना पढ़े, अगर हम जाकर आर्काइव्स, अभी भी हमारे बहुत रिच आर्काइव्स हैं, हमारे पास इतने माध्यम, डिजिटल माध्यम आ गए कि हम कहीं की चीज़ कहीं सोर्स कर सकते हैं, तो हम अगर वो करके लिखें, और इंटरप्रिटेशन तो व्यक्तिगत बात होती है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों का इंटरप्रिटेशन एक ही होगा मेरा दावा। जैसे ह्यूमैनिटी, ह्यूमेन वैल्यूज का, टॉलरेंस का कोई इंटरप्रिटेशन अलग नहीं होगा। तो यूनिवर्सल, एक तरीके से यूनिवर्सल वैल्यूज हो गई। मुझे ये बताइए कि और ये मैं अपने लिए भी जानना चाहूँगा और बाकी जो हमारे साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो भी हमको सुन रहे हैं, सबके तरफ से जानना चाहूँगा, जो लिखने का, अच्छा लिखना भी ना एक 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 सॉर्ट ऑफ एलिटिस्ट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हो गई है अपने आप को स्थापित करने के लिए, कि साहब मैं कुछ लिख दूँ, मेरा छपा हुआ लिखा लिखा हुआ कुछ छप जाए। तो जो लोग लिखना चाह रहे हैं, अच्छा लिखना चाह रहे हैं, साहित्य के ऊपर लिखना चाह रहे हैं, तो उनको आपकी क्या एडवाइस है कि वो क्या करें कि वो बेहतर लिख पाए? खूब पढ़े, लेकिन बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते, मेरा ये दावा है। लेकिन इसकी एक 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 काउंटर वो है कि अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं तो फिर आपकी मौलिकता खत्म हो जाती है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप बहुत कुछ पढ़ के अपना कुछ मौलिक निकाल, आप बहुत कुछ जब पढ़ेंगे आपका एक्सपोजर बेटर होता है, तो आप जानते हैं कि आपको ये नहीं लिख। जैसे मैं बहुत खराब किताबें भी पढ़ती, बहुत खराब, जिनको कोई नहीं उठा, तब आप मेरे जरूर पढ़ लीजिएगा तब मेरे अंदर होप है कि मेरी किताब आप पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आपकी किताब तो मैं जरूर पढ़ूंगी, लेकिन खराब किताब इसलिए भी पढ़ना जरूरी है कि हम ये ना लिखें, हम इस तरह से ना लिखें, मतलब एक्चुअली व्हाट नॉट टू डू। हाँ, तो जब आप वो टिक ऑफ करते जाते हैं तो आपका लेखन अपने आप परिष्कृत। तो अपने कुछ फेवरेट आप ऑथर्स बताइए कि आप किनको रिकमेंड करेंगे कि हमारी ऑडियंस किनको पढ़े और अच्छा सीखने के लिए और अच्छे एक्सपोजर के लिए? नहीं, अपने मास्टर्स को तो पढ़ना ही चाहिए, हिंदी में भी एक बहुत समृद्ध परंपरा रही है लेखकों की, सबको पढ़ना चाहिए। मैं तो कहती हूँ अपने समकालीनों को खूब पढ़ना चाहिए, अपने से ऊपर वालों, और इस तरह ना जब आप साहित्य पढ़ते हैं और एक पूरे सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते हैं तो आप ऑटोमेटिक इतिहास भी पढ़ते जाते हैं। कोई भी किताब अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट से कट कर नहीं लिखती। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है वन्ना जी, और दूसरा पहलू ये है, और ये आरोप आप पे भी लगा है कि आप जो हैं इतिहास के साथ कुछ ज्यादा ही प्रयोग कर रही हैं और ऐतिहासिकता को लेकर, अभी हम सुबह उसकी बात कर रहे थे मुगले आजम की, तो के आसिफ पर भी आरोप लगा था कि उन्होंने इतिहास के साथ बड़े प्रयोग किए, तो ये इतिहास के साथ प्रयोग करना कहाँ तक उचित है? क्योंकि जो पढ़ रहा है वो तो उसको इतिहास ही समझ के पढ़ेगा, तो कहाँ तक उचित है हिस्ट्री और फिक्शन को मिक्स करना? मेरे ख्याल से जितने भी बड़े उपन्यास लिखे गए हैं
हिस्ट्री और फिक्शन को, चाहे पामुक लिखते हैं, अगर आप पामुक का उठाइए मॉडल, तो वो सारी चीजें फिक्टिशियस ही लिखते हैं, लेकिन इतिहास पीछे चलता रहता है और कभी भी उन पे ये आरोप नहीं लिखा लगा, उनको नोबेल दे दिया गया, कभी आरोप नहीं लगा कि उन्होंने कोई घाल नहीं किया। तो हम भी चाहेंगे कि आपको नोबेल मिले, लेकिन 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 ये तो ये बात तो होती है कि साहब प्रयोग बहुत हो रहा है इतिहास के साथ, तो मतलब नहीं, इतिहास के इसीलिए कॉशियस इस बात का के लिए रहना है कि हम इतिहास के साथ प्रयोग ना करें। हम अपने कथ्य के साथ तो कुछ भी कर सकते, हम इतिहास के साथ प्रयोग। तो क्या एक डिस्क्लेमर लिखना जरूरी है कि जो इसमें लिख रहे हैं वो इतिहास के पृष्ठभूमि पे है, परंतु पात्रों को ऐसा लिखना चाहिए पात्र काल्पनिक है। हाँ। ये लिखना चाहिए हाँ। और जिसे कि देखिए, वैसे अभी एक मैंने अनुवाद किया था, एक पुष्पमाला है, मल्टीमीडिया आर्टिस्ट है और साउथ में रहती है, तो उन्होंने एक पीस लिखा है ऑन ईटिंग करके एक जर्नल आता है, उसका उसके लिए मैंने किया था अनुवाद। तो उसमें उन्होंने कहा था, उन्होंने इंटरव्यू लिखा, जैसे कोई, जैसे आप हैं और मैं हूँ, तो मैं पुष्पमाला हूँ और मैंने आपको क्रिएट कर दिया। okay. आप हैं ही नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि सूर्या इज आस्किंग पुष्पमाला क्वेश्चन एंड शी राइट्स, वो पूरा पीस जो है उन्होंने लिखा है वो क्वेश्चन आंसर काल्पनिक चरित्र, हाँ, चल नहीं काल्पनिक चरित्र क्वेश्चन पूछ रहा है और वो जवाब दे रहा है। उसी बहाने उन्होंने अपना पूरा पीस ऑन ईटिंग लिख डाला। तो जब हमने वेबसाइट में डालने से पहले उनसे पूछा कि ये तो लिखना पड़ेगा भाई कि ये फिक्टिशियस इंटरव्यू है, पब्लिक तो सच संभली की समझने दो। तो लेखक को ये अख्तियार है कि वो किस तरह से अपने आप को पेश करे। इतने लोकतांत्रिक हम हैं, हिंदी साहित्य में भी बड़ा मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने बहुत लोकतांत्रिक मंच तैयार किए हैं, सब कोई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि अच्छी चीज़ सबके पास एक समय के बाद और एक समझदारी के बाद फिल्टर आ जाता है, तो वो फिल्टर करके अच्छी चीजें अपने आप ऊपर आ जाती है। सार को गई रहे तो था दही उड़ाए। बिल्कुल ठीक बात है। तो आपसे बात करने में बड़ा आनंद आ रहा है और मैं सच बता रहा हूँ, मेरा बड़ा मन हो रहा है प्लॉट। हाँ हाँ जरूर जरूर, हाँ बताइए। चरित्र नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं लिखा, तो हो सकता है ये प्रकाशक की अंडरस्टैंडिंग मेरे साथ बनी हो, लेकिन आज तक किसी ने आकर नहीं कहा है मुझे, मतलब अगर प्रकाशक कह रहा 1000 कॉपी बिक गई है तो उतने लोगों ने तो पढ़ा ही होगा, तो किसी ने नहीं कहा है कि ये चरित्र वास्तविक चरित्र हैं। सबको समझ में, जो साहित्य पढ़ता है या रेगुलर विद्यार्थी है उसका, वो समझ जाएगा कि ये रियल पीपल हैं नहीं, बस मैं उनको एक फिक्टिशियस वॉइस दे रही हूँ, क्योंकि ऐसी वॉइसेस थी नहीं, मतलब दर्ज नहीं है, थी मेरी कल्प। मैंने मतलब बहुत सारे ऐसे लोग जो कि रहे होंगे, जिनकी इस तरीके की बात रही होगी, जिनकी इस तरीके की सोच रही होगी, जिनका इस तरीके का योगदान भी रहा होगा, मगर जिनको जगह नहीं मिली, तो भले उनके नाम ना हो लेकिन उनकी बात तो हो जाए। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे परगासो का चरित्र, एक और इंस्पिरेशन मुझे मिली, लखनऊ के आप हैं तो नरही के पास उदा देवी का एक बस्ट है, बचपन में हमने कितनों ने उदा देवी के बारे में सुना या पढ़ा, नहीं जानते थे ना, लेकिन जब बड़ी हुई, और लखनऊ मेरा भी बहुत वास्ता रहा है, बार बार जाना हुआ है, तो मैं पूछती थी ये कौन है, साड़ी वाली महिला, एक बस्ट है छोटा सा, तो ये कौन है, तो बाद में मुझे पता चला उदा देवी है। उदा देवी का जिक्र उस तरह से लक्ष्मी बाई, महारानी लक्ष्मी बाई की तरह नहीं है, पर वो भी एक वॉइस थी, वो भी एक मार्जिनलाइज कम्युनिटी की थी। तो धीरे धीरे जब आप पढ़ने लगते हो, जब आपका इंटरेस्ट जगता है, पढ़ने लगते हो, तो देखते हो कि उदा देवी अगर हो सकती है वास्तविक चरित्र, तो परगासो भी हो सकती है। ये राइटर का अख्तियार है, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन। आखिरी सवाल, उसके बाद हम चर्चा को विराम देंगे, क्योंकि देखिए बड़ा आनंद आता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी ऑथर से बात करना, यानी कि किताब की आत्मा में झांकना, ये बिल्कुल एकदम पर्दे के पीछे की कहानी होती है, मगर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वंदना राग इतनी सीरियस क्यों है? वो वैसे तो आप बहुत हंसती मुस्कुराती है, लेकिन आपकी आपकी किताब में मुझे वो थोड़ा सा वो हंसी का भाव क्यों नजर आ रहा है, इतनी सीरियस क्यों है आप?
नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस नहीं हूँ। वही है कि एक आदमी में होते हैं हजार आदमी। तो लिखते वक्त मैं चाहती हूँ कि मेरी इंटेंसिटी जो है ना, जिन चीज़ों को लेके मैं इतना फील कर रही हूँ, वो इंटेंसिटी नहीं डाइवर्स्टेड हो सकता है मेरा अगला उपन्यास पूरी तरह से एक विटी। एक जगह आपने प्रोफेसर समर्थ लाल के माध्यम से कुछ थोड़ा सा आपने चुहल की है। हाँ, नहीं वो बीच बीच में है कई जगह, लेकिन इट इज अ वेरी सीरियस सॉर्ट ऑफ। हाँ, तो दरअसल प्रेम भी है तो बहुत इंटेंस किस्म का है। तो ये हो सकता है कि ऊपर से मैं बहुत हंसमुख हूँ, लेकिन अंदर से मैं एक इंटेंस प्राणी हूँ। तो चलिए, तो हमको देखिए, जैसा मैंने कहा कि आप तो जब कहानी पढ़ते हैं और फिर जब आप ऑथर से मिलते हैं तो आपको, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं उनकी कहानियां पढ़ा करता था रस्किन बॉन्ड की, तो मुझे लगता था कि ही इज़ अ वेरी जॉली नेचर्ड पर्सन। तो मैं उनसे मिलने के लिए मसूरी तक चला गया, और फिर जब मैं उनसे मिला तो मैंने पाया कि नहीं, वो तो थोड़े सीरियस किस्म के इंसान हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि मैं तो आपसे चुटकुले सुनने आया था, I was quite young at that time। तो ये बात अपनी जगह सही है कि जब आप ऑथर से बात करते हैं, उनको जानते हैं, तो आपको कुछ और पहलू जानने को मिलते हैं। तो मेरा बड़ा मन है कि मैं इस उपन्यास को खोल के ऑडियंस के सामने रख दूं और उनसे कहूं कि देखिए साहब, इसके अंदर ये है, लेकिन वो फिर ज्यादती हो जाएगी क्योंकि उपन्यास को तो हम नहीं खोल के रख सकते। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूं कि इसको पढ़ने में बहुत मज़ा आया, और बड़ा ही अलग किस्म का उपन्यास है, और बहुत हद तक आपको पसोपेश में डाले रखता है कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा। पर कहीं ना कहीं जाके, जैसा आपने कहा कि अंत में ये अपने आप को रिवील करता है, और मेरे ख्याल से दैट्स द बेस्ट सॉर्ट ऑफ राइटिंग, जो खुद को रिवील करे। आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और मुझे इस बात का यकीन है कि हमारे जो दर्शकगण ऑनलाइन के माध्यम से हमसे जुड़े हैं और जो वैसे भी जुड़े हैं, वो सब इस बिसात पर जुगनू उपन्यास को ज़रूर पढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है कि मेरी दर्शकों से ये निवेदन है, क्योंकि मैं खुद राइटर हूँ इसलिए और ज़्यादा निवेदन है, क्योंकि इसमें मेरा भी इंटरेस्ट जुड़ा है, कि भाई खरीद के पढ़िए, ठीक है। ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आपको जो है, जो राइटर है वो अपनी रचना जो है ला के देते रहेंगे, खरीद के पढ़िए। और हम छोटे थे तो सरिता एक मैगजीन थी, उसमें आता था कि क्या आप मांग के खाते हैं, मांग के तो मांग के क्यों पढ़ते हैं, मांग के नहीं, खरीद के पढ़िए। तो खरीद के पढ़िए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हिंदी की कहानियाँ, हिंदी की किताबें, खासकर जो अच्छा साहित्य है जो इस प्रकार के मंचों के माध्यम से आपके सामने आ रहा है, जिसको कि बहुत बड़ी जूरी ने वेट किया है, उसको आप ज़रूर पढ़िए, और आपको बड़ा आनंद आएगा, और आपकी आत्मा को बड़ी तृप्ति मिलेगी, और ऐतिहासिक जानकारी भी मिल सकती है, जैसा कि वंदना राग जी के उपन्यास में है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम आपके अगले उपन्यास की प्रतीक्षा में हैं। तो बस ये बता दिए कि अगला क्या आ रहा है। इसका सीक्वल है, सीक्वल तो नहीं है, मतलब टाइम पीरियड का सीक्वल है। टाइम पीरियड का सीक्वल है, तो हम बहुत ही उत्सुकता के साथ और आपके अगले उपन्यास का इंतजार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, आपने बड़ी अच्छी चर्चा आपसे हुई, और बहुत ही आपने खूबसूरत उपन्यास लिखा है, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत धन्यवाद।